दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों, इन सात तरह के रोगियों को बैंगन नहीं खाना चाहिए। मैं आज आप लोगों को शुद्ध और सरल हिंदी भाषा में समझाऊंगा। आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी सारी बातें जान पाएंगे। और दोस्तों, नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, दोस्तों जरूर मेरे चैनल को अपना सब्सक्राइब कर दें, लाइक करो, शेयर करें, घंटी दबा देना। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट पार्टी में आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, कौन से सात प्रकार के रोग हैं जिन्हें बैंगन नहीं खाना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप ध्यान सुनना। दोस्तों, जो लोग किडनी स्टोन के मरीज हैं, जिनको गॉलब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, किडनी की नली में स्टोन है, गदूद में स्टोन है, ऐसे लोगों को बैंगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये उसको और तेज़ी से बूस्ट करती है, बढ़ाती है स्टोन को, पता नहीं खाना चाहिए। दूसरे रोगों जिनको स्किन डिजीज है, खाज है, खुजली है, दाद है, उपध है, जिम्मा है, सफ़ेद दाग है, कुष्ठ रोग है, तरह तरह घाव निकलते हैं, फोड़ा फुंस निकलते रहते हैं, ऐसे रोगियों को भी बैंगन नहीं खाना चाहिए, नहीं तो और इसको बूस्ट करता है। जिन लोगों को डाइजेस्ट प्रॉब्लम है, यानी पाचन क्रिया गड़बड़ है, ज़्यादा गैस बनता है, उबकाई आता है, मितली आता है, चक्कर आता है, हार्ट ब्लीचिंग होती है, खाना जल्दी पचता नहीं, हजम नहीं होता है, पेट भरा भरा सा रहता है, जिनको ऐसे लक्षण, उन्हें भी बैंगन नहीं खाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बैंगन एक गरिष्ठ भोजन में, भारी भोजन में आता है, इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, फलते देर से पचता है और गैस बनाता है। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों को कोई तरह की माइग्रेन है, दर्द है, सिर में कोई बीमारी है, उन्हें भी बाल झड़ रहा है, बाल दुमुहे हो रहे हैं, जल्दी बाल पक रहे हैं, जल्दी आप गंजे होना शुरू हो गए हैं, ऐसे लोगों को भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर है, यौन रोग है, उन्हें भी बैंगन का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हल्का फुल्का कर सकते हैं। गर्भवती माताएं बहनों को भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गैस बनाता है, आपको परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसे बहुत से लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि वो कहते हैं कि हमको गठिया है, लंग्स प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम ज़्यादा है, बलगम का प्रॉब्लम है, बलगम नहीं ठीक हो रहा है, ऐसे रोगियों को भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आता है बैंगन, ऐसा बैंगन में दो कलर होता है देखना, एक हल्के श्यामले कलर के होते हैं, एक रेड कलर के होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, उजले भी होते हैं। दोस्तों, बैंगन कई कलर के आते हैं, लेकिन जो श्याम कलर के जो बैंगन होते हैं, यह सरकार ने भी बैन लगा रखा है, क्योंकि इसे खाने से कई तरह की शरीर में विकृतियां आ जाती है, फालिस लगवाने का खतरा रहता है, या जिनको फालिस लगवा, हार्ट अटैक की बीमारी हो, इन हार्ट प्रॉब्लम हो, जिनका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक वगैरह बढ़ा हुआ हो, उन्हें बैंगन नहीं खाना चाहिए। जिनको ओडिमा की प्रॉब्लम है, ओडिमा में जिनके शरीर में जहाँ तहाँ पानी पड़ गया हो, सूजन आ रहा हो, किसी खास अंग में स्वेलिंग सूजन की आ रहा हो, वहाँ उंगली दबाने से यदि दब जाए तो मतलब वहाँ पानी है, यानी जिनको ओडिमा यानी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी पानी है, लंग्स हो या किसी पार्ट हो या ज्वाइंट पेन हो, ज्वाइंट में कहीं भी, तो ऐसे रोगियों को भी बैंगन नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये मोस्टली आपको सात रोग बताया, या सात रोगी यदि हैं तो उन्हें बैंगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है, बचना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को यदि ये सलाह अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।